नमस्कार मित्रों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सावन की मल्हार हारमोनियम पर किस तरीके से अपन जो है बजा सकते हैं, चाहे आप देहात में बजाना चाहें या आप क्लासिकल में बजाना चाहें, कैसे भी बजाना चाहें, बहुत अच्छी सी मस्त दोहा वो का नाम जो है सावन की मल्हार है। और कई बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से जो लोग न्यू बिगनर्स हैं, जो नए बजाने वाले होते हैं, वो एकदम से इसको जो है इस तर्ज को बजा लेंगे, ठीक है। और जो है आसान तरीके से आप कर लेंगे। सी सार के स्किल से हम आपको बहुत आसान तरीके से इस मल्हार को आपको बजाना सिखा देंगे। तर्ज पर बहुत सारी मल्हारें हैं, आप एक ही मल्हार पर अपना स्वयं बनाकर, जैसे कोई चीज़ है उस पर स्वयं अपना बनाकर गा सकते हैं। स्वयं कोई इसी तरीके की मल्हार तैयार कर लें और किसी भी तरीके की मल्हार को तैयार करके अपना गा सकते हैं। तो बस ये सब जो है हम आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो है अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको जो है जो भी हम बताएंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हम अपने फ़ायदा के लिए नहीं, आपकी फ़ायदा के लिए कह रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा और किस तरीके से अपन हारमोनियम पर बजाएंगे। भैया डाउनलोड प्लीज़ मत करना, जो है वीडियो को ऐसे ही देखना लाइव, तो थोड़ा बहुत हमको भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट अपन जो है सीखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से अपन जो है हारमोनियम पर इसको बजाएंगे, ठीक है। तो हमने मंद सप्तक की पहली काली को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इसे जो है इसे अपन जो है ये हमारी स्थाई की लाइन है। तो स्थाई की लाइन को पहले हम कंप्लीट सीखते हैं, उसके बाद हम आंतरा की ओर गौर करेंगे। तो पहले जो है इसे ध्यान से सीखिएगा। आरी बहना, आरी बहना, ठीक है। अब ये तीन बटनों पर आरी बहना, सारे माँ, सारे माँ, ठीक है। तो सारे माँ ज़्यादातर जो है सारे गा सारे माँ, इन्हीं पर जो है ज़्यादातर सावन की मल्हार जब भी चलती है तो इन्हीं सुरों का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, जब भी सावन की कोई मल्हार आप गाइएगा तो सबसे पहले उसके नोट सारे माँ सारे गा इन चीज़ों को यूज करिएगा, ज़्यादातर जो है यहीं से उठती हैं। इतना और आपको हम साथ साथ में नॉलेज देते चलें, ठीक है। तो इतना आपको जो है कंप्लीट आपने कर लिया होगा। अरी बहना, अरी बहना, ठीक है। अरी बहना, फिर देन इसके आगे श्याम बजावे सुरवैन, ठीक है। अरी बहना श्याम, अब ये थोड़ा सा श्याम श्याम श्याम, आप YouTube पर सर्च कर लीजिए, मल्हार मिल जाएगी आपको। हरी बहना श्याम 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 पा मापा मापा श्याम, थोड़ी आवाज़ ऊपर की तरफ उठ रही है तो हमारा जो है मापा हो रहा है, थोड़ी आवाज़ को भी जरा जो है आप लोग गौर ध्यान से सुनिएगा। जब जो है जब भी आप कोई गाना निकालें या कुछ भी निकालें, एक चीज़ का हमेशा उसमें ध्यान रखें कि आवाज़ हमारी किधर जा रही है, आवाज़ गले पर प्रभाव पड़ रहा है, जो है ताकत पड़ रही है तो थोड़ा जो है ऊपर गाइएगा, अगर ताकत नहीं पड़ रही है तो उससे नीचे देखिए, कोई स्वर आपका नीचे ही उसमें से लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है सात सुरों को ही आपको जो है सात पाँच बारह, बारह सुरों पर ही आपका वर्ड का ऐसा कोई गीत नहीं है जो सात सात बारह सुरों के अतिरिक्त हो, इन्हीं सुरों के अंदर जो है दुनिया का सब गाना है। तो जो है इन्हें सिर्फ कितनी देर हमको किस पर रुकना है, ये चीज़ को हमको समझने की बात होती है, ठीक है। तो आगे का पैटर्न देखिए, आरी बहना, क्लियर हो गया। श्याम बजावे, अब ये बजावे, सारे माँ पा मा गारे, आरी बहना श्याम बजावे गारे सा, सारे माँ पा मा गा रे सा, सारे माँ पा मा गा रे सा, चढ़ा फिर उतरा, वैसे ही चढ़ाओ है फिर वैसे ही उतार है। अरे बहना श्याम बजावे सुर, अब ये सुर तो थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा सुर, थोड़ी सी अलाप है हल्की सी, सुर सारे गा सुर,
हरी बहना श्याम बजावे सूरा बहन कदम की बैठो डाल पे। हरी बहना श्याम बजावे सूरा बहना, अब ये बहना गारे गारे सा बहनारी बहना श्याम बजावे सूरा बहना कदम की बैठो। अब ये कदम की बैठो तो इस पर हमारे देखिए लाइन क्या चलेगी, सारे सारे गा कदम की बैठो, कदम की बैठो सारे सारे गा कदम की बैठो डाली पे जी, सारे गा रे सारे रे सा कदम की बैठो डाली पे जी। हरी बहना श्याम बजावे सूरा बहना कदम की बैठो डाली पे जी, काहे की बंसी जाके हाथों में मेरी बहना। ये थोड़ी आंतरा की लाइन हमारी प्ले होती है, ठीक है। तो इस आंतरा की लाइन को हम ध्यान से देखेंगे, काहे की बंसी जाके काहे की सापा सारेगा, काहे की बंसी जाके काहे की बंसी जाके सापा सारे सारेगा, काहे की बंसी जाके हाथ में मेरी गुइया। अब ये देखिए काहे की बंसी जाके हाथ में मेरी गुइया, अब इस लाइन को काहे की बंसी जाके पासारे सारे गा, काहे की बंसी जाके हाथ में मेरी गुइया काहे की बंसी जाके हाथ में मेरी गुइया बहना। अब ये फिर लाइन उठेगी ऊपर, बहना ये बहना, ठीक है, बहना काहे को है री सूरा, वही स्थाई वाली लाइन, बहना काहे को है री सूरा बहना कदम की बैठो डाली पे। फिर बहन स्थाई अंतरा की लाइन वो फिर आ जाएगी, अरे मास की बंसी हाथ में मेरी बहना, बहना माही को है री सूरा बहना कदम की बैठो डाली पे। तो बस यही है स्थाई पर अंतरा, थोड़ा सा ही समझने की बात है। आप आई होप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, सीख गए हैं तो भैया वीडियो को और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।